यू आर राइट, बलराज अस्थाना की स्पेशल गेस्ट ही लगती है ये लड़की। बलराज और मीरा को साथ में देख के लगता है काफी क्लोज है दोनों। कहीं इनके बीच में कुछ पक तो नहीं रहा है? माफ कीजिएगा, बाप बेटी जैसे हैं दोनों, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आज की ब्रेकिंग न्यूज भूला मत, सबसे पहले किसने बताई? जल्दी चल। श्यामा भाभी आप यहाँ? ओ नो, आपकी इतनी सुंदर सी साड़ी का सत्यानाश। भाभी क्या हुआ, आप इतना क्यों कांप रही हो? मैं नहीं 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 श्यामा भाभी, इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, साड़ी खराब हुई है। और वैसे भी अखिल भैया आपको थोड़ी ना डांटेंगे। तुम लोग यहाँ हो और मैं कमरे में ढूंढ रहा था। ओहो, मैंने आपको किचन में आने के लिए कहा था। अरे इतना शोर था, कुछ सुनाई नहीं दिया। जीजू कमरे में वो स्नूपी अनुज आ जाती, उसके पेट में तो वैसे भी कोई बात नहीं टिकती। ग्लास ग्लास ग्लास, मैं ग्लासेस लेकर आती हूँ। हाँ, और मैं पानी लेकर आती हूँ, डालो जल्दी। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वही जो हर साल करते हैं। हर साल? हर साल तो ताश खेलते हैं। अरे पानी तो डालने दो। श्यामा भाभी आपके लिए भी एक ग्लास। हाँ भाभी। नहीं भाभी क्या पिएंगी, चूंगी भी नहीं होगी। श्यामा भाभी अगर बॉटल भी देख लेंगी ना तो बेहोश है ना। Excuse me? आप चाचा जी की स्टडी में क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से पार्टी वहां चल रही है। Oh yeah, study. Actually, मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था। Where's the washroom? Myself, Mongia. Mr. Mongia, दूसरों के कमरों में बिना इजाजत घुसना बदतमीजी मानी जाती है। I'm sorry. Actually, मैं वॉशरूम ढूंढ रहा था तो। वॉशरूम सीधा जाके लेफ्ट। सीधा जाके लेफ्ट। गुड। अखिल भैया भाटिया साहब आपको बुला रहे हैं। ठीक है अभी आता हूं। लेफ्ट। करने वाली है। यस। किचन। एक्सक्यूज मी, कैन आई हेल्प यू? या एक्चुअली मुझे बिजली से बात इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बिजली मतलब ये बिजली। यहां कोई बिजली नहीं है। शायद आपको गलतफहमी हुई है। हाँ आप
मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहचान लिया है। You know, No, we don't know. I'm sorry, पर पार्टी हॉल में चल रही है, आपको चाहिए तो जाके वेटर को बोलिए। या मुझे भी ऐसा लग रहा कि आप लोग सही बोल रहे हैं। मुझे पहचानने में थोड़ी गलती हो गई। I'm sorry. You enjoy? What a weird character. I know. श्यामा भाभी, क्या हुआ? आप पत्ते की तरह क्यों कांप रहे हो? और आप बर्फ की तरह ठंडी क्यों हो रही हो? नहीं नहीं, वो देखो ना, ये जो साड़ी है ना, अखिल ने मुझे 5th anniversary पे गिफ्ट की थी, खराब हो गई। श्यामा भाभी रिलैक्स, साड़ी तो है यार, दूसरी आ जाएगी। मैं चेंज करके आती हूँ। ये श्यामा भाभी को क्या हो गया? एक्टिंग वियर्ड ना। डिजाइनर्स ना? हाँ, बाय द वे, आई एम मिसेस अंबुजा। इस फैमिली को मैं कई सालों से जानती हूँ। जब अनी और नंदिनी की शादी हुई थी ना, तो मुझे इनवाइट किया था इन्होंने। वैसे आपको मैंने वहाँ नहीं देखा। मैं वहाँ नहीं थी। What a tragedy, darling, what a tragedy. You missed the marriage of the decade. सुना है नंदिनी का बेचारी का मिसकरेज भी हो गया। एनीवे, फॉरगेट अबाउट इट। मुझे मिस्टर अस्थाना ने बताया कि तुम अनी की बहुत अच्छी फ्रेंड हो, तो तुम नंदिनी को भी बहुत अच्छी तरह से जानती होगी। हमारी सोसाइटी में तो जो हस्बैंड की फ्रेंड वो वाइफ की भी फ्रेंड होती है। एनीवे, तो तुम अनी की बहुत अच्छी दोस्त हो, तो अनी के श्राद्ध पर तुम बताओ ना मीरा, हम सबसे तुम कैसे मिली? एक मिनट, मैं जरा, मेरे फादर इन लॉ मीरा को बहुत पसंद करते हैं। मिसेस अंबुजा को बताओ ना, तुम्हारे और पापा की बॉन्डिंग इतनी अच्छी कैसे? पापा बहुत रिजर्व्ड है, हाँ, लेकिन मीरा के साथ ही चेंजेस। मेरे सर में थोड़ा दर्द है, मैं दवाई लेकर आती हूँ। कल की लड़कियां भी ना, इनके सर में कितनी जल्दी और कितना ज्यादा दर्द हो जाता है। डाइट ठीक नहीं है ना इन लोगों का। जस्ट लुक एट हर, कितनी दुबली है वो, साइज जीरो। पर आजकल के मर्दों की चॉइस, उन्हें से मरीसों की लड़कियां ही बहुत पसंद आती है आजकल। पता नहीं ऐसी लड़कियां कैसे पसंद आ जाती। हमारे जमाने में ना नंदिनी लड़की भरी ना हो तो उसकी शादी ही नहीं होती थी। कुछ बदल गया नंदिनी, सब कुछ बदल गया। टाइम डार्लिंग, टाइम। हाँ, अब देखो, हमारे जमाने में तो वीडो को सिर्फ व्हाइट कपड़े ही पहनने पड़ते थे, लेकिन लुक एट यू, बलराज का दिल बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही कह रही है मिसेस अंबुजा।
यार, ये विधवाओं के लिए सफेद साड़ी, ये तो पुराने जमाने की बात हो गई ना। हाँ, और आप तो फैशन के साथ चलती हैं, है ना? हाँ जी। वैसे मैंने सुना है कि आपका तीसरा लड़का शादी कर रहा है, अरेंज मैरिज है? नहीं, एक्चुअली वो मिस्टर खोसला की लड़की के साथ। आइए ना, मुझे उसके बारे में सब कुछ बताइए ना। एक्चुअली मेरी आंखें धोखा नहीं खाती, एक बार जिसे देख लेता हूँ शीशे की तरह उतार लेता हूँ। जान गया था तुम्हें बिजली हो। आपने सुना नहीं अंदर आपसे क्या कहा गया है? आपसे गलती हुई है। अपने चाहने वाले से इतनी बेरुखी से पेश नहीं आती। अपना खूबसूरत चेहरा तो दिखा दो, जिसे देखने के बाद मैं दीवाना हो गया था। दिखाओ ना एक बार, तो हाथ हटाओ ना। अरे एक बार, आप अब भी यही हैं? और मेरी बीवी से क्या बात कर रहे हैं? आपकी बीवी? जी, मेरी बीवी। देखिए मिस्टर मोंगिया, आप इस घर में एक मेहमान हैं, इसलिए आखिरी बार आपको समझा रहा हूं। पार्टी वहां पर चल रही है। हाँ वो तो पता है, पार्टी वहीं चल रही है। मैं तो इनसे वॉशरूम का रास्ता पूछ रहा था। आपने बताया था लेफ्ट। यस, आई रिमेम्बर, सॉरी। मैं अभी आती हूँ। फिल्मी तुकबंदियां खूब जोड़ने लगी हैं डार्लिंग जी। हाँ, आखिर बीवी किसकी हूँ क्या पता। अगर पापा को पता चल गया ना तो? किसी को पता नहीं चलेगा। जब हम है तो क्या तुम है? वैसे हमारे साथ यहाँ किचन में क्यों पी रहे हो? हाँ, तुम तो बाहर भी पी सकते हो, पार्टी में। जीजू और पार्टी में? जीजू की हालत पापा के सामने ऐसे हो जाती है। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, सिवाय तुम दोनों के बाप के। और मैं यहाँ इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मैं तुम दोनों को कंपनी दे रहा हूँ। जहाँ मेरी पल्लो, वहाँ उसके पल्लू से बंधा बंधा उसका लल्लू।
शादी ने इस हद तक जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। एक बार ये पार्टी खत्म हो जाने दो, फिर देखना। हाय बलराज। ओ रतन। यस। यार तेरी बेटियां बहुत सुंदर, छोटे वाली तो है ही पर बड़े वाली शी इज वेरी प्रिटी। माय ब्लेसिंग्स यार, है सुंदर। यार तू मेरे बेटे से मिल चुका है ना? यस ऑफ कोर्स, इज वेरी डिसेंट एंड कल्चर लड़का है वो। अरे बेटा किसका है यार? मेरा। लेकिन यार बड़ा प्यारा बच्चा। अच्छा यार तूने नुपुर की शादी के बारे में सोचा? कहीं तुम वो कह रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ? बिल्कुल सही यार। यार मैं चाहता हूँ कि इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हारी बेटी और अपने बेटे की शादी का प्रपोजल दे दूँ, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। अरे नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे इतने साल के बिजनेस एसोसिएशन अगर रिश्तेदारी में बदल जाती है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वाह यार वाह, तो बस फिर ठीक है, मिलते हैं जरा फुर्सत में, बातचीत करते हैं और फिर मेरा बेटा और तेरी बेटी भी एक दूसरे को मिल लें तो। क्या वो यार आजकल के बच्चे हैं वो उनका ओपिनियन भी तो जरूरी है ना यार। हाँ तो दस्तूर भी है मौका भी है, तू नुपुर से मिल लेना। बिल्कुल अगस्त नुपुर को बुला। हाँ। फिर से यार। नुपुर तुम्हारा और मेरा था। किसे समझा क्या रिश्ता था तुम्हारा और मेरा? तुम्हारी ऊंची सोसाइटी, बड़े लोग ना ही हमारे रिश्ते को समझेंगे ना ही एक्सेप्ट करेंगे। अनिरुद्ध एक बार सच पता चल गया तो ये मुझे तुम्हारी रखेल के अलावा और क्या नाम देंगे? मिस्ट्रेस। अनीम मैं बात का यही निपटारा करें, बलराज को वारिस नहीं मिलेगा।